ऐसे सुमन पंडित था, उसको भी जरा खुजली लगी थी दिमाग में। दिन को मशाल लेके चलता था, ज्ञान की मशाल। कोई भी अपने को विद्वान माने, सुमन पंडित से शास्त्र आता है। पूरे महाराष्ट्र में वामन पंडित, सुमन ने वामन पंडित पूरे महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया। किसी ने सुनाया था कि समर्थ रामदास को अगर परास्त करते हो तो फिर सारे विद्वान मान लेंगे भाई समर्थ रामदास वामन पंडित हरा चुके, तो आप सर्व विजयी हो जाएंगे। तो मशाल लेके चल पड़ा तो दोपहर का समय था, किसी पेड़ के नीचे बैठा। 12 बजे ओम अपवित्रो भवित्रो वा सर्व स्नान गतो दिया, संध्या करने बैठा। शांत वातावरण था। इतने में देखा तो दो ब्रह्म राक्षस आपस में लड़ रहे। अरे बोले इधर मत बैठ। बोले क्यों, तू बैठा तो मेरे लिए क्यों? बोले ये तेरे लिए नहीं है, ये तो विद्या के घमंड से जो वामन पंडित समर्थ को हराने जा रहा है ना, कोई मरेगा ब्रह्म राक्षस होगा, ये उसी के लिए पगले, वो इधर आने वाला है। तो ईश्वर की लीला कहो, वामन पंडित का पुण्य कहो, उसने सुन लिया कि मैं शास्त्रार्थ करके विजयी बनूंगा तब भी मेरी सदगति नहीं है और मैं मर के ब्रह्म राक्षस हो जाऊंगा, तो सारे पोथी पढ़ने छोड़ के हिमालय चल पड़ा। हिमालय चला गया, मैं भगवान की आराधना की कि विद्वान बनकर बड़ा बनकर दिखाना ये मेरी गलती थी, आप प्रभु जी मैं आपको ही पाना चाहता हूँ। जो कि भगवान का मंत्र गुरु से मिला था, जपा जपा जपा, कई वर्ष बीत गए कुछ हुआ नहीं। जब इतने साल इधर रहे भगवान भी नहीं मिले, ऐसा क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती मुंह दिखाने के लिए, इससे तो चलो हिमालय में आत्महत्या करके मर जाओ। जो पर्वत से अपने आप को फेंकने के क्षणों में आए तो नारायण प्रकट हो गए, वामन पंडित वामन पंडित तेरा मंगल हो। सिर पे हाथ रखा, बोले प्रभु जी सिर पे तो आशीर्वाद देते तो दाया हाथ रखा जाता है, आपने बाया क्यों रखा? वामन पंडित था। प्रभु जी बोले दाया हाथ रखने का अधिकार गुरु का है, मैं गुरु का अधिकार क्यों छीनूंगा, इसीलिए मैंने बाया रख दिया, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुम्हें गुरु करना चाहिए, तो आप ही बताओ मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे। बोले महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ में। अच्छा समर्थ रामदास? बोले हाँ। जिनको मैं चेला बनाने जा रहा था, हराने जा रहा था, भगवान के दर्शन के बाद उधर ही जाने को जक मारने पड़े वामन पंडित को। लेकिन आखिर सामान्य तुम्हारे लोगों से तो अच्छे थे, नौकरी धंधा चालबाजी दिल्ली के ठगों के बीच जीने वालों से तो वो अच्छे थे। तो गए समर्थ रामदास की स्तुति की, रामदास बड़े खुश हुए। दाया हाथ तो लंबा किया लेकिन सिर पे लगाया नहीं, पीठ ठोक दी। बोले प्रभु आप प्रसन्न हैं, मैंने 12 साल पहले तो आपके हराने को आया, ये सारी बात बताई, फिर मैं भगवान नारायण में प्रकट हुए हिमालय बद्री का आश्रम में, उन्होंने आपके चरणों में भेजा, रहा प्रसन्न हुए, तो आपने दाया हाथ तो ऊपर किया लेकिन मैं सिर जो तो सिर पे तो आपका बाया हाथ आया नहीं, दाया हाथ पीठ पर ही लगा दिया। बोले सिर पर नारायण ने बाया लगा दिया तो मैं दाया क्यों रखूंगा। उसने तो नारायण ने बाया भी रख दिया तो नारायण का हाथ रखा है, फिर मैं ऊपर क्यों रखूं, इसलिए मैं पीठ पे रख देता हूँ।
तो बोले आप दायां रखो ना मेरे सिर पे हाथ। अरे बोले पगले दायां हाथ क्या होता है, दायां बायां हाथ क्या होता है, सारे हाथ जैसे उठते हैं वो बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैर के चलता है बिना कान के सुनता है, कर्म करे विधि नाना, वो आत्मा ही सार रूप है। ऐसा करके उपदेश दिया तत्व ज्ञान का वामन पंडित को। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष रामा, कार्य रहे ना शेष मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लग ले। बात सुनो, तो ये पूर्ण गुरु की कृपा मिली और वामन पंडित में से वामन संत बन गए, महापुरुष बन गए। हम 12 साल जख मारने के बाद जो बात समझ में आई उसी समय भी समझ सकते थे, लेकिन चाहे 100-100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे, अहंकार छूटता नहीं जल्दी से, अपनी आदतें छूटता नहीं। इसीलिए बोले गुरु की शरण जाओ, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा। गुरु गीता में कहा है कि गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। आपको समझ में आए चाहे न आए, चाहे झूठी लगती हो बात, लेकिन उनका गुरु ने कहा है बस सत्य मान, तो सत्य मानने के गुरु के वचन सत्य मानने की आपकी पकड़े सब छूट जाएगी, फिर पता चलेगा कि गुरु की बात झूठी नहीं थी। पृथ्वी गोल है, विद्यार्थी को चाहे अभी झूठी लगे लेकिन अभी मानो, लिख लो पृथ्वी गोल है, देर सवेर समझ में आ जाएगी। ऐसे तुम चैतन्य हो, तुम अमर हो, ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारी मौत नहीं होती है, तुम दुखी नहीं होते हो। अभी चाहे तुम्हें झूठा लगे लेकिन मान लो तब भी बड़ी रक्षा होगी। तुम दुखी नहीं होते हो, मन दुखी होता है, तुम बीमार नहीं होते हो, शरीर बीमार होता है। अभी चाहे झूठा लगे लेकिन मान लो, अभ्यास करते पता चल जाएगा। पृथ्वी गोल है, शुरुआत में बच्चों को झूठी लगेगी, कहां है पृथ्वी गोल, लेकिन लेके आते धीरे धीरे पता चल जाता है। ऐसे ही तुम ब्रह्म हो, तुम चैतन्य हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोले अभी अभी तो पापा ने तब, पर मारे बाल बांका कैसे नहीं हो सकता। तो अभी बबलो, अभी मानते मानते आगे पता चलेगा कि पापा ने थप्पड़ मारी तुमको नहीं मारी, शरीर को मारी। तुम थप्पड़ के भी साक्षी हो, पापा के चेतन भी तुम ही हो। नारायण हरि।